गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मूविंग चार्ज का स्टडी करेंगे इसमें। स्टेशनरी चार्ज मीन्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी कर ली, और अब स्टडी करेंगे मूविंग चार्ज। तो हम बिना समय लिए हुए शॉर्ट में अपन चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? करंट। क्या ले सकते हैं? I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। कहीं हमें करंट गिवन है, चार्ज फाइंड करना है, तो टोटल चार्ज इट मीन्स क्या ले सकते हैं? क्यू इक्वल टू आई डी टी, जीरो टू टी टाइम के लिए। ये हो गया टोटल चार्ज। यूनिट एंड डायमेंशन। फर्स्ट थिंग, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट मीन्स ड्राइव नहीं है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। इसकी यूनिट हम क्या लेते हैं? एम्पेयर। यूनिट लेंगे एम्पेयर। देखो यहां से करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम है, तो अपने पास क्या हो गया? देखो, वन एम्पेयर इक्वल टू वन कूलम अपॉन पर सेकेंड। पर सेकेंड वन कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो करंट कितना हो गया? वन एम्पेयर। इसी को देखो, एक क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस कर लें। फॉर वन एम्पेयर करंट, फ्लो वन एम्पेयर करंट, व्हाट विल बी फ्लो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो वन एम्पेयर के लिए, तो देखो सिंपल तरीका है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू हम लेंगे एन ई अपॉन टी, और देखो एन इक्वल टू हो गया अपने पास आई इंटू टी अपॉन ई, आई वन एम्पेयर, टी वन सेकेंड, और E 1.6 into 10 के पावर माइनस 19, इट मीन्स इससे सॉल्व करेंगे 6.25 into 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यदि फ्लो हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.25 into 18, इट मीन्स करंट कितना है? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करते हैं, तो हम Q इक्वल टू क्या यूज करेंगे? एनी, और ये कितना है? 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये था कूलम पर सेकेंड, और इसको हम A से लिखते हैं, तो डायमेंशन M0, L0, T0, और सिर्फ क्या रहेगा? A1, क्योंकि ये कैसी है? ड्राइव क्वांटिटी है। इसके बाद हम देखो करंट जो है इससे जुड़ा हुआ है चार्ज कैरियर्स को देखेंगे। पहले मैं चार्ज कैरियर्स बता देता हूं। देखो चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स में बात करें, कंडक्टर्स जिनको बोलते हैं सॉलिड कंडक्टर्स, इन मेटल्स, तो मेटल्स में चार्ज कंडक्टर रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन सेमीकंडक्टर्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स में रहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, फ्री स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा आप इनमें कंडक्टर्स का मैं ब्रीफ आपको बता देता हूं। इनमें जो कंडक्शन का काम करता है होता है कंडक्शन बैंड, नीचे रहता है वैलेंसी बैंड। सेमीकंडक्टर्स में कुछ एनर्जी गैप रहता है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंसी बैंड के, ये यहां से खाली होकर कहां चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। जो फ्री स्पेस यहाँ पे बचेगा ये क्या है? ये कहलाता है होल। तो इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे। थर्ड हम बात करें इन इलेक्ट्रोलाइट्स, आप समझ गए होंगे NH4Cl एक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें NH4 प्लस Cl माइनस, H2SO4 जिसमें H+ आयन, SO4-
to an electrolyte sequence. Charge carriers कौन है यहाँ पे? Positive and negative ions. Positive and negative ions. यदि यही चीज हमसे पूछा जाए discharge to, discharge to. तो इन डिस्चार्ज ट्यूब हम बात करें तो डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस. देखो इसमें आपने पढ़ा होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब में फिलामेंट होता है जो पर गर्म होने पर यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है. इलेक्ट्रॉन्स यहां से एनोड से टकराएंगे, कुछ एनोड रेज इधर फिर एमिट होंगी. तो इट मींस एनोड रेज क्या है? ए बीम ऑफ पॉजिटिव आयन. तो इसमें चार्ज कैरियर्स कौन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एंड ए बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस. तो इस तरह से चार्ज कैरियर्स का मतलब सिर्फ ओनली कंडक्टर्स में मेटल्स ही नहीं, सभी कंडक्टर्स हैं. मेटल्स, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रहेंगे, डिस्चार्ज में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस रहेंगे. तो ये थे चार्ज कैरियर्स. अभी हम देख रहे हैं देखो करंट फ्लो का रीजन क्या है. इसके लिए हम स्टार्टिंग में जो बात कर रहे हैं फ्लो रेट ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, तो टाइम इट मींस स्टेशनरी चार्ज है, करंट फ्लो नहीं होगा. तो फिर यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, क्या मूविंग चार्ज होगा तो फिर करंट फ्लो होगा? मूविंग चार्ज ऑलवेज करंट फ्लो करेगा. तो इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कर रहे हैं या फिर नेट चार्ज फ्लो होना चाहिए. किस तरह से या कोई अपन सिर्फ मूविंग चार्ज बोल रहे हैं देन ठीक है, तो स्टेटमेंट के लिए हमें समझना जरूरी है. देखो किस तरह से ये कंडक्टर है हमारे पास, ये कोई कंडक्टर है. कंडक्टर और नॉन कंडक्टर जैसे हम डिस्कस करते हैं किसका डिफरेंस है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का. और फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एज गैस मॉलिक्यूल्स. क्या करेंगे? हमेशा ऑलवेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस होने इरेगुलर पाथ, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं. इट मींस ये जो इरेगुलर पाथ है ये इनका कहलाता है रेंडम पाथ. स्पीड कहलाती है रेंडम स्पीड. तो रेंडम स्पीड बहुत तेज होती है, 10^5 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड में. बट अभी जब तक हम सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे करंट क्या है? जीरो. तो हम जो बात कर रहे हैं कि मूविंग चार्ज करंट फ्लो करता है, तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहे हैं बट करंट कैसा है? जीरो. तो यहां से आपने एक बात क्लियर होगी कि ओनली मूविंग चार्ज कहना ही जरूरी नहीं है, क्या फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज एसेंशियल. तो हम कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे. और देखो फ्लो ऑफ नेट चार्ज कब होगा कि जैसे ही, अब तो करंट जीरो है लेकिन जैसे ही हम इसको देखो किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहां बैटरी से कनेक्ट किया तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये एंड कैसा हुआ? पॉजिटिव. ये कैसा हुआ? नेगेटिव. अब क्या डेवलप हो गया इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया. तो अब हम क्या कहते हैं? करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी. अब करंट फ्लो, तो ये क्या सोर्स में, सोर्स की प्रेजेंस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किधर जा रहे हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इट मींस फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज एसेंशियल. तो देखो मैं अभी ये एक्सप्लेन करें उससे पहले आपको दो स्टेटमेंट समझा देता हूं. फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, क्या फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फॉर द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ नेट चार्ज, फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज एसेंशियल. फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज एसेंशियल. इट मींस नो फ्लो ऑफ नेट चार्ज, इट मींस नो करंट, नो करंट. अभी हमने देखा कि देखो क्या पॉइंट है यहाँ, फॉर द फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज एसेंशियल. क्योंकि इस तरह से फ्लो होता रहेगा तो नेट चार्ज का जो फ्लो है वो कैसा है? जीरो है. इसलिए बिना नेट चार्ज फ्लो के करंट कैसा रहेगा? जीरो. फिर नेट चार्ज फ्लो कैसे हो गए उसके लिए हमने बताया कि उससे हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? सोर्स. इट मींस देखो
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, एम्स में इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके काम में आएंगे। देखो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, अब करंट के लिए जरूरी क्या है, फ्लो ऑफ नेट चार्ज। तो फिर नेट चार्ज फ्लो के लिए क्या जरूरी है, फिर फॉर द फ्लो ऑफ नेट चार्ज, फ्लो ऑफ नेट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज एसेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज एसेंशियल। इट मीन्स नो पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स नो फ्लो ऑफ नेट चार्ज। और जो नेट चार्ज नहीं रहेगा तो इट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी तक, आप दो पॉइंट ध्यान रखोगे, एक सिंपल हम एक लैंग्वेज काम में लेते हैं, चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट, चार्ज इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट ये जो रेफरेंस लिया गया है पॉजिटिव चार्ज को मानते हुए लिया गया है। यहाँ कंडक्टर में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा ध्यान रखोगे फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट। लोअर पोटेंशियल पॉइंट सेल के रेफरेंस में नेगेटिव पॉइंट से इधर जाएंगे पॉजिटिव की ओर, जबकि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट। क्लियर? तो ये दो पॉइंट अपने को करंट को समझने के लिए कि करंट के लिए चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है। कंडक्टर्स की बात करें तो चार्ज कैरियर्स कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो होते रहते हैं, रैंडम स्पीड से फ्लो होते रहे, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट चार्ज फ्लो जीरो होता है, इसलिए करंट कैसा होता है, जीरो होता है। इसलिए फॉर द फ्लो ऑफ करंट फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज एसेंशियल, और फॉर द फ्लो ऑफ नेट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज एसेंशियल। क्लियर? तो इसके लिए एक और चीज डिस्कस करेंगे यहां पे, क्या अब हम इसकी स्पीड को समझेंगे। देखो जो वर्ड अपन काम में ले रहे हैं, रैंडम स्पीड, रैंडम स्पीड, देखो रैंडम स्पीड क्या है, हम यू ले सकते हैं इन एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर बिहेव लाइक एज गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स स्पीड जो लेंगे इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, स्पीड जो लेंगे, देखो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, 3 kT/m, 3 k वोल्टेज मान कांस्टेंट, 1.38 × 10⁻²⁷ टी रूम टेम्परेचर, 300 K/m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा ये प्राप्त होता है अप्रोक्सीमेट 10⁵ m/s, 10⁻⁵ m/s। तो 10⁵ m/s यानी तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन किस तरह से होता है, ऑन ए जिग जैग पाथ, इरेगुलर पाथ पे। तो हम क्या इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑन ए इरेगुलर पाथ, ऑन ए इरेगुलर पाथ। This type of motion or speed known as random speed. आपको ध्यान क्या रखना है, absence of electric field, free electrons moving
all possible direction on a irregular path, say zigzag path. This type of speed or this type of motion is known as random speed. Clear? तो ये इस तरह की speed यानी 10^5 है, ये कैसी है? Random speed है. किसी particular direction में अपन बात करें तो इसी में देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा. इट मीन्स हमें इसमें ये टर्म क्या पूछा जाए, एवरेज एवरेज रैंडम स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो हम क्या काम करेंगे, से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी स्पीड u1 प्लस u2 प्लस u3, इस तरह से u3 प्लस कितने हो सकते हैं, प्लस un और अपॉन n. तो ये क्या हो गया, एवरेज पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये ले लिया हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एवरेज स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या रहेगा, जीरो. तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमसे टर्म पूछा है रैंडम स्पीड, हम फ्रेंकली क्या बताएंगे, 10^5 मीटर पर सेकेंड. बट एवरेज रैंडम स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन आंसर क्या है, जीरो. और इसका करंट फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा. अभी पढ़ा नेट चार्ज फ्लो का होना जरूरी है और फॉर द फ्लो ऑफ नेट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज एसेंशियल. क्लियर? तो अब हम दूसरा जो टर्म पढ़ेंगे वो टर्म हम पढ़ रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं. इसको हम ले लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल पॉइंट टू हायर पोटेंशियल पॉइंट. दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस टाइप ऑफ रेगुलर मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, is known as drift velocity. In presence of electric field, electrons kidhar move kar rahe hain, lower potential to higher potential point, opposite to direction of electric field. Dekho kis tarah se humne ye koi conductor liya, dekho yahan se samajh sakta hu, conductor ko humne connect kar diya source se, ये सोर्स से कनेक्ट किया और ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें तो देखो किधर रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इनसाइड द कंडक्टर. इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव. दीज आर मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे हम यदि नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो F इक्वल टू QE लगेगा और अपोजिट टू कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज, इसके अगेंस्ट कितना फोर्स लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू लग रहा है माइनस QE E into E. ये ऐसा फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन क्या हो गया, E into E upon m. इट मींस ये एक्सेलरेट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव. क्लियर? अब इसमें अपन देखेंगे तो देखो डायरेक्शन अपन बात करें करंट की, तो देखो करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. देखो ये कंडक्टर में हो गई करंट की डायरेक्शन. क्लियर? ये करंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे कैसा है, अपोजिट है. तो ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो रहा है, इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर हो रहा है. तो आप इट मींस हमसे यहां से
क्लियर हो रही है कि हमसे ये पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट देखो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, इसकी डायरेक्शन में। फिर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इमेजिनरी चार्ज। तो ये क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। ये जो हम ले रहे हैं बैटरी के रेफरेंस में लेते हैं, कंडक्टर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन देखो जो फ्लो हो रहे हैं करंट इधर, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव, इसके अपोजिट होगा अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज। तो ये अपने पास इसकी डायरेक्शन आ गई। अब देखो हम रैंडम के बाद अब क्या कैलकुलेट करना है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखो हमने चेक किया कि यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई इंटू ई, एक्सेलरेशन होगा ई इंटू ई अपॉन एम अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन होगा तो इनिशियल स्पीड इनकी इलेक्ट्रॉन्स की थी यू वन यू टू यू थ्री यू एन, और अभी जब कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन्स के इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम देखो इसके लिए जो फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो वेरी सिंपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो किस तरह से फाइंड करेंगे। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या एवरेज वेलोसिटी, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यू वन, हमें पास फॉर्मूला क्या होता है v equal to u plus at। तो देखो after potential difference and presence of electric field u1 equal to first electron के लिए a1 at1, second के लिए u2 plus at2। समझ गए हो क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं, v equal to u plus at final speed। u1 u2 क्या है initial speed, u3 plus at3 इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो सकते हैं, प्लस यू एन प्लस ए टी एन अपॉन एवरेज वैल्यू क्या कर देंगे n। और यहां से आप देख सकते हो देखो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश un अपॉन n, ये u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस देखो यहां से ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी एन अपॉन एन, ये एवरेज देखो ये समझ गए होंगे, ये क्या है एवरेज रैंडम स्पीड। एवरेज रैंडम स्पीड क्या होती है जीरो, प्लस देखो ए और देखो टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टी एन अपॉन एन एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स चो वार। तो अपने पास VT का जो फॉर्मूला आया यह है ए टू वार, ए टू वार, और यहां पे आपने देखा टू वार क्या है, जो ये वैल्यू थी अपने पास T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn अपॉन n, ये क्या हो गया एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, इसको टू वार बोलेंगे। और क्या कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ये हमने ले लिया रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां अपने पास VD इक्वल टू A की वैल्यू पुट करना चाहे तो हमें पता है A इक्वल टू होता है माइनस E इनटू E अपॉन M इन F अपॉन M माइनस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि यहां पे रखें तो देखो VD का फॉर्मूला हो गया अपने पास E इनटू E अपॉन M इनटू टोवा। देखो इसमें E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, इट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे एक छोटा कांस्टेंट लेंगे म्यू E, और ये म्यू को क्या कहेंगे देखो यहां से मिटा देता हूं मैं, और जो म्यू है ये कहलाता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। देखो
म्यू इक्वल टू क्या हो गया वी डी अपॉन ई। कई बार यूनिट पूछ लेते हैं तो वी डी स्पीड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। देखो क्या यूनिट होगी मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड, इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकेंड। तो ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, वी डी इक्वल टू ए टो ले सकते हैं, ई इंटू ई एम इंटू टो बार ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंसेप्चुअल चीज आपको समझाना चाहूंगा। देखो एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये अपने पास था कंडक्टर, और कंडक्टर में जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव एंड बन गया, ये नेगेटिव एंड बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन अब किसमें है कंडक्टर में, फ्री ट्यूब नहीं है, तो जैसे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट तो होगा, थोड़ा सा एक्सेलरेट होगा। तो कई बार पाथ इन जनरल यूं कर दिया जाता है, लेकिन पाथ एक्चुअल में ये नहीं है, एक्सेलरेशन मोशन है, एक्सेलरेशन है, तो थोड़ा सा पैराबोलिक पाथ होगा। यहाँ गया ओरिजिन होगी, एनर्जी लॉस हुआ, लेकिन फिर से एफ इक्वल टू क्यू ही लगा, फिर काइनेटिक एनर्जी मिली, फिर कोलिजन हुई, फिर से इस तरह से पैराबोलिक पाथ होगा एक्सेलरेशन के कारण, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। तो देखो आप क्या देख सकते हो, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है वो रिजल्टेंट ये मान सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव से स्ट्रेट नहीं, इस तरह से पैराबोलिक पाथ में बहुत सारी कोलिजन हो रही। तो इनमें जो टाइम लग रहा है बिटवीन टू कोलिजन, इंटरवल जो अपन ने लिया वो क्या लिया है रिलैक्सेशन टाइम टू एवरेज टाइम इंटरवल। तो इस तरह से अपने ये चीजें ली। देखो अब इसमें जो जो अपने पास आया है इनको अलग से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो यहां पे जो टर्म्स अब मैं काम किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको ध्यान रखने हैं नोट कर सकते हैं। करंट के लिए हमें समझना था रैंडम स्पीड, रैंडम स्पीड कैसा है, रैंडम स्पीड इरेगुलर कितना होता है 10^5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज रैंडम स्पीड की बात करेंगे तो फिर आंसर क्या देंगे जीरो। क्लियर। सेकेंड हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे हमने देखा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल टू किधर जा रहे हैं हायर पोटेंशियल जा रहा है, ये स्थिति थी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है 10^-4 मीटर पर सेकेंड, वेरी स्लो 10^-4 मीटर पर सेकेंड। एक बार कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाता है कि देखो जब स्पीड आप देख लो इलेक्ट्रॉन की कितना है -4 मीटर सेकेंड, तो आप एक बात बताइए कि जैसे 1 मीटर वायर ले रहे हैं कम से कम हम लेंथ मिनिमम लेंथ 1 मीटर वायर, यहाँ पे हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बल्ब तक जाने में जो टाइम लगेगा, जो लगेगा अपने पास वो देखो कितना लगेगा कि वायर की लेंथ हमने कितनी ली है 1 मीटर, टाइम कितना लग रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी -4 सेकेंड। तो देखो इट मीन्स 10^4 सेकेंड, 10,000 सेकेंड्स, 10,000 सेकेंड इट मीन्स 60 × 60 3601 आवर, तो अप्रोक्सीमेट 3 आवर्स यहाँ तक पहुँचने में लग गए। क्वेश्चन बनता है कि फिर तो हमें जो 1 मीटर वायर का बल्ब जो जलाना है उसको कम से कम 3 घंटे पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो आफ्टर 3 आवर्स वो बल्ब हमें रोशनी देगा चलेगा। इट मीन्स इस तरह से किसी और लंबे वायर में तो हमें जो आज स्विच ऑन करेंगे हो सकता है वो कल लाइट हमें अवेलेबल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है। क्या रीजन है तो अपन डिपेंड करेंगे बल्ब का जलना है या जो करंट का फ्लो होना है, डजंट डिपेंड ऑन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइट वेक्टर है, इसकी स्पीड क्या होती है
3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट की पर इसके स्विच ऑन करते ही क्या जाता है, बल्ब जल जाता है। तो क्या बताओगे कि ये किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड क्या है, 10 की पावर लाइट स्पीड इक्वल टू लाइट स्पीड। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमने एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या है, देखो ये जो पाथ था कोलिजन हो रही है, यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ कोलिजन होगी, फिर यहाँ से आया कोलिजन होगी, तो इन कोलिजन के बीच में मान लीजिए जो इसने पाथ कवर किया लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 इस तरह से लैम्डा है, तो ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा एन अपॉन एन जो ये है इसको क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या हुआ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स नोन एज मीन फ्री पाथ। और क्या लेंथ रहेगी इसकी, एटॉमिक साइज लगभग माइनस 10 की पावर माइनस 9 मीटर, और क्या ले सकते हैं 10 एम स्ट्रॉन्ग। ओके, और नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, देखो अभी जो ये हम देख रहे हैं ये जो पार्ट है यहाँ पे पहली कोलिजन और इसमें एमिटर T1 यहाँ T2 यहाँ T3 इस तरह से TN, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अपॉन एन, जिसको हम कह देंगे रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड। क्लियर, तो हम देखो चार टर्म्स में ध्यान रखेंगे, रैंडम स्पीड 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और इसमें नेट चार्ज फ्लो जीरो होता है, करंट जीरो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 की पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन फ्री पाथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस, और रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजंस। तो ये हमने डिस्कस किया दो पॉइंट, रैंडम स्पीड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू सो मच, ओके।